हाउ आर यू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में जब भी प्रधानमंत्री बनने की बात की जाती है, सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल करने लगते हैं। कुछ लोग उनका समर्थन करते हैं तो कुछ लोग पीएम बनने को लेकर मीम्स बनाते हैं। सोशल मीडिया पर इन दो गुटों के बीच एक तरह से जंग शुरू हो जाती है। बात यूं शुरू हुई कि नई दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर राहुल गांधी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के एक स्कूल ग्रुप के लिए डिनर का आयोजन किया था। डिनर के दौरान राहुल गांधी से पूछा गया कि वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने बड़ी ही शालीनता से जवाब देते हुए कहा, मैं सबसे पहले महिलाओं को आरक्षण देने का काम करूंगा। I would give women's reservation. दरअसल राहुल गांधी ने तमिलनाडु के एक स्कूल से आए मेहमानों के साथ अपनी बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि स्कूल के इस ग्रुप की यात्रा ने दिवाली को और भी खास बना दिया। राहुल गांधी से दूसरा सवाल पूछा गया कि वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। इसका जवाब राहुल गांधी ने देते हुए कहा, मैं नम्रता सिखाऊंगा बच्चों को, क्योंकि विनम्रता से आपको समझ आती है। योर चाइल्ड वन थिंग आई वुड से ह्यूमिलिटी, बिकॉज़ फ्रॉम ह्यूमिलिटी यू गेट अंडरस्टैंडिंग। एंड व्हाट इज द डिनर प्लान? कैन वी अरेंज छोला भटूरा डिनर हियर? राहुल गांधी ने अपने मेहमानों के साथ छोले भटूरे का लुत्फ उठाया। डिनर के टेबल पर भी राहुल गांधी बातचीत करते नजर आए। खाने के बाद राहुल गांधी कुल्फी खाते हुए भी दिखाई दिए। वीडियो में वो कह रहे हैं, ये मेरा फेवरेट है।